अगर आप सच में बालों को तेजी से लंबा और घना करना चाहते हैं तभी इस वीडियो को देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोगानुसार में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। कहते हैं लंबे घने और काले बाल लड़कियों की खूबसूरती का अहम हिस्सा होते हैं। अगर आपका चेहरा अच्छा है और आपके बाल पतले रूखे और बेजान हैं तो आपका पूरा लुक खराब हो जाता है। वहीं लंबे बाल पाने के लिए न जाने लड़कियां कितने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इन्हें यूज करने पर बालों को नुकसान ही होता है। साथ ही कई बार महंगे प्रोडक्ट पर पैसे खर्च करने के बावजूद बाल बढ़ते ही नहीं। ज़्यादातर लोग घने बाल चाहते हैं, लेकिन धूल धूप और प्रदूषण की वजह से और देखभाल न करने की वजह से बाल रूखे और बेजान होने लगते हैं। इसके अलावा सही डाइट नहीं लेने के वजह से भी ऐसा हो सकता है। खास तौर पर मानसून सीजन में बालों से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इस मौसम में झड़ते बालों से महिलाएं और पुरुष दोनों ही परेशान रहते हैं। कई बार लोगों के बाल जरूरत से ज़्यादा झड़ने लगते हैं, इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप अपने बालों को 100% गारंटी के साथ तेजी से लंबा और घना कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे और आपके लंबे बालों का सपना अधूरा रह जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, अदरक। जी हाँ, डैमेज बाल कमजोर और पतले होने लगते हैं। अपने बालों को घना और मजबूत बनाने के लिए बालों पर प्याज के रस के साथ अदरक के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों मिलकर एक बेहतर हेयर पैक बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच अदरक का रस और 2 चम्मच प्याज का रस। जी हाँ, प्याज और अदरक का रस पीस कर अलग कर लें। अब एक बाउल में लें और इसमें प्याज और अदरक दोनों का रस निचोड़ लें। दोनों रसों को अच्छी तरह से मिलाएं और बालों पर लगाएं। अब इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें और सादे पानी से धो लें। इस पैक को लगाने के बाद आप अपने बालों को शैम्पू भी कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए सप्ताह में 2 बार अपने बालों पर इस पैक को जरूर लगाएं। नंबर 2, अंडा। जी हाँ, अंडे प्रोटीन से भरे होते हैं जो बालों की देखभाल के लिए आवश्यक होते हैं। आपके बालों को अच्छी तरह से बढ़ा देने के लिए 2 अंडे पर्याप्त हैं और इसे लगभग 30 मिनट के लिए अपने गीले बालों में लगाए रहने दें। इसके लिए आप 2 अंडे को फेंटकर अपने बालों में अच्छे से लगा लें और कुछ समय बाद बालों को शैम्पू से अच्छे से धुल लें। इसे आप सप्ताह में 3 बार कर सकते हैं। नंबर 3, करी पत्ता। जी हाँ, घरों में पाया जाने वाला करी का पत्ता बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाभकारी और बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे बनाया गया तेल या हेयर पैक लगाने से बालों का रंग भी काला होता है और बाल तेजी के साथ लंबे होते हैं। इसे लगाने के लिए आप 1 कटोरा करी पत्ता और 1/2 कप नारियल तेल लें। इन दोनों चीज़ों को गर्म करें और फिर इसे छान कर ठंडा कर लें। इस तेल को अपने बालों समेत जड़ों में लगाएं। इस तेल से सिर की मालिश करें और फिर 1 घंटे के बाद सिर को शैम्पू से धो लें। नंबर 4, एलोवेरा। जी हाँ, पॉटेड एलोवेरा का पौधा लगभग एक वरदान है, क्योंकि इसका पेस्ट बालों को लंबा और घना होने देता है। एलोवेरा का जेल जब सीधे खोपड़ी पर लगाया जाता है तो जड़ों और बालों को पोषण देता है, खोपड़ी को साफ करता है और साथ ही रूसी को भी हटाता है। इसके लिए आप 1 अंडे और शहद के साथ एलोवेरा जेल मिला लें, इसे खोपड़ी पर लगाएं और इसे 1 घंटे या उससे भी कम समय के लिए छोड़ सकते हैं। यह 1 सप्ताह में 1 बार किया जाना चाहिए। और अगर आप बालों को और चमक देना चाहते हैं तो हर रोज एलोवेरा का जूस पिएं। इससे आपके शरीर के विषाक्त पदार्थ भी खत्म हो जाते हैं। नंबर 5, अंडा। जी हाँ, संडे हो या मंडे, रोज खाए अंडे वाली बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन आपको बता दें कि बालों के लिए भी अंडे बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अंडे में प्रोटीन, आयरन, सल्फर, वसा जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो बालों को झड़ने से बचाते हैं। अंडे के सफ़ेद वाले हिस्से में थोड़ा सा जैतून का तेल मिलाएं और यह मिश्रण तैयार कर हल्के हाथों से हफ्ते में 1 बार मालिश करें। इसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू से बालों को धो लें। बालों का झड़ना रुक जाएगा और उनकी ग्रोथ भी तेजी से होने लगेगी।